बहुजन संघर्ष समिति की ओर से भव्य किसान रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंच पर प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो नीतियां हैं, खासकर उस पर चर्चा यहां पे होगी। जो हमारे गांव के लोग हैं उस पर चर्चा होगी, गाँव गरीब किसान आदिवासी उस पर चर्चा होगी, उनकी नीतियों पर चर्चा होगी, उनका कैसे उत्थान हो उस पर चर्चा होगी। और रैली आउटडोर में होती है, रैली सड़कों के ऊपर होती है, ये तो यहाँ पर चर्चा होगी। कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और आगे की एक क्या रूपरेखा बनेगी उस पर तैयारी करेंगे। वो काने कानून थे, वह एक आने वाली बीमारी थी, वो आने से पहले ख़त्म हुई, लेकिन जब तक भारत सरकार MSP गारंटी कानून नहीं बनाएगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, जब तक दूध वेजिटेबल्स अंडा मीट मछली पे इस पे MSP नहीं देगी, तो किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और डायरेक्ट सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट भी सरकार को लेकर आना पड़ेगा। ये पॉलिसी जब तक सरकार नहीं लेकर आएगी तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा। उनसे हम मिले थे और उनको कहा कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं आप वहाँ पे किसान के लिए काम करें। छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चल रहा भूमि अधिग्रहण का, उस पर भी काम करें। हिमाचल में उनकी सरकार बनी है, वहाँ पे अडानी का सेब के किसानों पे पूरा कब्जा उनका है, मंडी पे, सेब की मंडी पे, वो उनको डिस्टर्ब करेगा पूरा, क्योंकि अडानी भारत सरकार के कहने से काम करेगा। उसने वहाँ पे सीमेंट प्लांट बंद किए, वहाँ के किसान जो जिनकी जमीन गई थी उनको रोजगार दिए थे, उनको पूरा डिस्टर्ब करा। आने वाले टाइम पे अडानी उनको डिस्टर्ब करेगा, उसके संबंध में बात हुई। हमारा श्रीनगर का सेब की एक बहुत बड़ी वैली हमारी श्रीनगर की है, उनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान 18 दिन में अडानी ग्रुप ने करवाया, वो समस्या आएगी। तो अलग अलग जगह की, अलग अलग स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। और जब तक भारत सरकार सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं देगी तो किसान बचने वाला नहीं है, क्योंकि जो फसल वो बेचता है उसकी कीमतें कम हैं और मार्केट बहुत ऊपर चला गया। और ये सरकारों की पॉलिसी है कि किसान अपनी जमीन छोड़ दें और व्यापारी जमीन खरीद रहा है।